नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मल्टीवर्कर स्टॉक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिस स्ट्रैटेजी की बात करेंगे वो बेस्ड है ETF के ऊपर, और उस स्ट्रैटेजी को आप इंप्लीमेंट कर सकते हो ETF के ऊपर भी, और अगर चाहो तो जो अच्छे स्टॉक हैं आप उनके ऊपर भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। वो वाले स्टॉक भी बताऊँगा आपको जिन स्टॉक के ऊपर आप इसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। फिलहाल सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे ETF का निफ्टी बीच पे। तो सबसे पहले मैं आपको ETF का बता दूं, थोड़ा हल्का फुल्का आपको आइडिया हो जाएगा जो नए हैं जिन्हें ETF के बारे में नहीं पता है। तो ETF होता है दोस्तों एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, और वो जैसे आप स्टॉक को ट्रेड करते हो, बाय सेल करते हो, ऐसे ही एक्सचेंज पे बाय और सेल ETF की जा सकती है। ETF एक पूरा का पूरा बंडल होता है, जैसे निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक हैं वो आपको एक कंप्रेस्ड फॉर्म में करके आपको एक सिंपल सा ETF मिल जाएगा, जो कि लगभग 191 के आसपास में आप बाय कर सकते हो निफ्टी के सारे 50 स्टॉक को। एक कंप्रेस फॉर्म में एक बंडल है पूरा का पूरा, और उसी में आपको सारे स्टॉक मिल जाएंगे। अगर आप 100 रुपये लगाते हो तो जिस प्रोपोर्शन से उस ETF में वो डिवाइडेड है रुपीस, उसी प्रोपोर्शन में वो पैसा जाके उन स्टॉक्स में लग जाएगा। ETF का फ़ायदा बता दो दोस्तों आपको म्यूचुअल फंड के ऊपर, क्या क्या फ़ायदा है म्यूचुअल फंड के। सबसे पहली बात दोस्तों, म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए है जिन्हें मार्केट का कोई आइडिया नहीं है। वो सिंपली अपनी जॉब पे जाते हैं और वो अपनी SIP या लमसम जैसे भी इन्वेस्ट करना चाहे इन्वेस्ट करके भूल जाते हैं, क्योंकि उनके पैसे को कोई दूसरा बंदा मैनेज करता है और वो उनसे फीस चार्ज करता है उस उनके पैसे को इन्वेस्ट करके और उन्हें प्रॉफिट देने में। उसका काफ़ी नुकसान भी होता है दोस्तों। कई बार आपने देखा होगा, आप जब पैसा निकालते हो म्यूचुअल फंड से, तब वो 1% के आसपास काट लेते हैं, क्योंकि आप 1 ईयर के अंदर अपनी लेन देन कर रहे हो। बहुत से म्यूचुअल फंड ऐसे भी हैं जिनके अंदर 2-3% भी है। तो ऐसे ही करके जब आप स्विच करते हो एक म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड में जाते हो, तब भी वो अपनी जो फीस है वो भी काट लेते हैं। तो सबसे बेटर तरीका है, अगर आपको हल्की फुल्की सी भी मार्केट की नॉलेज है बस, और पता है आपको ETF के बारे में, तो आप आराम से NSE और BSE के ऊपर इसे ट्रेड कर सकते हैं। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा और उसके थ्रू आप अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ETF का दोस्तों फ़ायदा आप ये देख सकते हो कि हर एक चीज़ का ETF मिल जाएगा आपको, निफ्टी 50 का, निफ्टी ITs का, निफ्टी गोल्ड, निफ्टी सिल्वर, जिस भी सेक्टर से आप ETF के रिलेटेड जो भी सेक्टर आप लेना चाहते हो आपको उसी सेक्टर का ETF भी अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ तक का आप अमेरिकन मार्केट में भी अगर पैसा लगाना चाहते हो तो इन कई सारे ETF हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में भी पैसा लगाते हैं ETF के थ्रू। जबकि आप म्यूचुअल फंड की साइट पर जाओगे फिर उसमें काफ़ी झंझट पड़ेगा, तो सिंपल है। और इसका एक और आपको दोस्तों फ़ायदा बताना चाहूँगा कि जैसे सुबह मार्केट ओपन हुई और आपने देखा कि मार्केट में एक अच्छा खासा क्रैश आ गया, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसी ETF को बाय कर सकते हो सुबह के टाइम, और जब भी आपको लगे कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है शाम से पहले पहले आप उसको बेच भी सकते हो। इसमें कोई सेजर भी नहीं है। अगर आप चाहते हो उसे अगले दिन तक होल्ड रखना तो आप अगले दिन उसे सेल कर सकते हो। जबकि म्यूचुअल फंड में क्या है, म्यूचुअल फंड में दोस्तों मान लो मार्केट सुबह के टाइम क्रैश हो गई और आप चाहते हो इन्वेस्ट करना, अगर आपका पैसा 1 बजे से पहले पहले रख गया तो आपको उस दिन की एनएवी मिल जाएगी। लेकिन अगर 1 बजे के बाद आपका पैसा इन्वेस्ट होता है म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आपको अगले दिन की एनएवी मिल जाएगी और आप अगले दिन का कंफर्म नहीं कह सकते उस दिन मार्केट अप होगी या डाउन होगी। तो ETF का बिल्कुल जल्दी जल्दी से ट्रेड किया जा सकता है ETF के थ्रू विद इन नो टाइम। ETF को चूज करते हुए दोस्तों हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे वॉल्यूम, अच्छा खासा वॉल्यूम होना चाहिए उस ETF के अंदर, मतलब लेन देन अच्छा होना चाहिए, ट्रेड अच्छा तरीके से होना चाहिए, एक्सपेंसिव बहुत कम होनी चाहिए और परफॉर्मेंस उसकी अच्छी होनी चाहिए। थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं दोस्तों। और ETF में दोस्तों आप सबसे जो बेस्ट चीज़ है कि आप एक यूनिट भी बाय कर सकते हो ETF की, जैसे एक शेयर बाय करते हो और ETF 20 रुपये से लेके लगभग 1000 रुपये तक का भी ETF आपको अवेलेबल है। चलिए, ये तो ही ETF की बात है, ये तो मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा कि ETF होते क्या हैं, और ज़्यादा वाइड आपको समझ में आएगा दोस्तों जब आप जाओगे NSE की साइट पर। चलिए NSE की साइट पर देख लेते हैं एक बार। ये मैंने पहले से ओपन की हुई है और ये आज का डाटा है जो कि आप देख सकते हो 9 सितंबर का, अभी रात के 10:30 बजे हैं। तो आप देख सकते हो हैंगसेंग टेक टोटल इंडेक्स रिटर्न, ये सारे के सारे सिंबल हैं और इतने सारे ETF आपको देखने को मिल जाएंगे। आज आप देख सकते हो निफ्टी IT ने अच्छा खासा रिटर्न दिया। जैसे आप देख सकते हो ICICI टेक ने लगभग 2.44% के रिटर्न बना के दिए। SBI ETF फिट JBIT से रिलेटेड है, इसने लगभग 2.39% के रिटर्न बना के दिए। ये दूसरा जो है MONO50, ये NASDAQ से रिलेट करता है और जो NASDAQ की जो 50 कंपनियां टॉप की ये उसमें इन्वेस्ट करता है, इसने भी आज अच्छा खासा लगभग 2.35 का रिटर्न बना के दिया। तो
आप देख सकते हो दोस्तों, मोटी मोटी बात यह है कि सारे के सारे ETF आपको यहाँ पे NSE की साइट पे में देखने को मिल जाएंगे। सिंपली आपको NSE टाइप करना है NSEIndia.com और उसके आगे ETF लिख देना है गूगल में, वो आपको इस पेज तक का रिडायरेक्ट कर देगा। चलिए ये तो अब मान लो दोस्तों आपने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए निफ्टी इंडिया ETF 20 के अंदर, तो आप देख सकते हो जो पूरी की पूरी जो एलोकेशन है, मान लो आपने 100 रुपीज़ एलोकेट किए तो रिलायंस के अंदर जाएंगे आपके 11 रुपये, इन्फोसिस के अंदर जाएंगे 9 रुपीज़, HDFC बैंक 8, ICICI बैंक 6, HDFC के अंदर जाएंगे 5, TCS के अंदर जाएंगे 5, कोटक महिंद्रा 3, ITC लगभग 2.87, लार्सन एंड टुब्रो के अंदर जाएंगे 2.79, एक्सिस बैंक के अंदर जाएंगे लगभग 2.63। ऐसे ही जो आपके 100 रुपीज़ हैं दोस्तों वो इस हिसाब से एलोकेट हो जाएंगे अगर आप एक निफ्टी 20 की यूनिट खरीदते हो तो। ठीक है दोस्तों, आपने मान लो 100 रुपीज़ लगाए तो इसी हिसाब से आपका जो एलोकेशन होगा वो इस हिसाब से एलोकेशन हो जाएगा। काफ़ी सिंपल सी स्ट्रेटजी है दोस्तों। अब हम चलेंगे अपनी स्ट्रेटजी की तरफ। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने स्ट्रेटजी वाले पेज के ऊपर और इस स्टडी का दोस्तों मैंने नाम रखा है ETF-5% स्ट्रेटजी, क्योंकि हम इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करेंगे जब भी मार्केट के अंदर -5% का फॉल आता चला जाएगा, हम अपनी एक एक SIP मार्केट में लगाते चले जाएंगे। इसकी शुरुआत होगी दोस्तों स्टेप फर्स्ट से, जहाँ पे आपको टोटल अमाउंट की जरूरत पड़ेगी लगभग 1.5 लाख की, और 5 पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड कर दिया है। लगभग आप देख सकते हो 30,000 के 5 पार्ट्स में इसे डिवाइड कर दिया है। स्ट्रेटजी को हम इंप्लीमेंट करेंगे मान लो निफ्टी 20 के ऊपर। तो जो सबसे पहला स्टेप होगा वो होगा 10 सितंबर को, जहाँ पे आपको अभी आपको नीचे देखने की जरूरत नहीं, आप केवल ऊपर ऊपर देखो दोस्तों। 10 सितंबर को लगभग किसी भी अमाउंट पर आप जाके मार्केट में पैसा लगा दोगे। लगभग 30,000 रुपये आपने मार्केट के अंदर लगा दिया, आपको जो प्राइस चल रही है NAV चल रही है मान लो 100 रुपीज़ चल रही है, तो आपको जो यूनिट एलोकेट होगी वो लगभग 300 यूनिट एलोकेट हो जाएगी और आपकी एवरेज प्राइस आ जाएगी 100 की। अब जब भी ये जो एवरेज प्राइस आपकी 100 है 105 तक जाएगी, आप अपना प्रॉफिट बुक करके चल सकते हो, जो कि होगा +5% का आपको प्रॉफिट हो जाएगा 30,000 के ऊपर, जो कि बैठेगा लगभग 1500 रुपये का प्रॉफिट आपको इसमें हो जाएगा जब भी ये ऊपर जाएगा यहाँ से। ठीक है दोस्तों, ये 1 हफ्ता ले सकता है, 2 हफ्ते ले सकता है, इस अंतराल में आपको लगभग प्रॉफिट हो ही जाएगा। दूसरा केस आता है मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाती, मार्केट चली जाती है नीचे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जब भी आप बाय करो तो उसके बाद मार्केट ऊपर ही जाए, मार्केट नीचे भी जा सकती है। जैसे हमने कोविड वाला फॉल देखा था जिसमें अच्छी खासी मार्केट गिर गई थी, लगभग 40-40% मार्केट डाउन हो गई थी अपने 52 वीक हाई से। तो उसी को देखते हुए मैंने लगभग 5 पार्ट्स में इसे डिवाइड किया हुआ है इस अमाउंट को, और धीरे धीरे आप मार्केट जब भी गिरती जाएगी -5% पे आप अपनी जो SIP है वो लगभग लगाते चले जाओगे। इसमें जो SIP का अमाउंट है वो लगभग 30,000 है, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो, अपने रिस्क के हिसाब से जैसे भी कस्टमाइज करना चाहो वो कर सकते हो। फिलहाल सबसे पहले आप इस स्ट्रेटजी को समझ लो, अगर आप इस स्ट्रेटजी को समझ गए दोस्तों तो आप धीरे धीरे मार्केट में हमेशा प्रॉफिट बनाते रहोगे हर एक हफ्ते या दूसरे हफ्ते के अंदर अंदर। चलिए मान लो अब यहाँ से मार्केट डाउन चली गई, आपने 10 सितंबर को बाई किया था, उसके बाद मार्केट डाउन हो गई, ऊपर जाने के बजाय मार्केट नीचे आ गई, 28 सितंबर को हम फिर से बाई कर लेंगे लगभग 30,000 का अमाउंट, 30,000 पे हमने फिर से बाई कर लिया, जब उस टाइम पे जो NAV होगी वो 95 आ जाएगी। आप देख सकते हो 100 से गिर के -5 95 पे आ गई, तो जो आपको यूनिट मिलेगी वो लगभग 315 यूनिट मिल जाएगी। मैंने इसमें सब फॉर्मूले पुट किए हुए हैं दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस यहाँ पर अपनी जो प्राइस है वो डालनी है। मैं इसे इंप्लीमेंट भी करके दिखाऊंगा NIFTY ITs के अंदर, NIFTY IT जो ETF है उसके अंदर आपको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। अब आपकी जो नई एवरेज प्राइस आ जाएगी वो लगभग 97.44 की आ जाएगी। अब जब यहाँ से जो 5% बैठेगा वो लगभग 102 रुपये के आसपास में जब भी ये जाएगा आपको 5% का प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर ये चला जाता है 105 तक तो आपको लगभग 10% का प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। चलो ये तो हो गया एक अलग सिनेरियो। उसके बाद हम सोचते हैं कि नहीं भाई उसके बाद क्या पता फिर से मार्केट गिर जाए, और अगर उसके बाद में मार्केट गिर जाती है तो 5 अक्टूबर को आप फिर से पैसे लगा दोगे 30,000 की अपनी दूसरी SIP, अपनी तीसरी SIP। उस टाइम पे देख सकते हो आप जो 95 का जो 10% 5% की जो गिरावट थी वो लगभग 90.25 देखने को मिलेगी। तो इस प्राइस पे आपकी जो 30,000 रुपये थे वो लग गई मार्केट के अंदर, आपको जो यूनिट मिली है वो लगभग 332 की यूनिट मिली है, एवरेज प्राइस हो जाएगी आपकी 94.92। आप देख सकते हो आपके शुरू में जो एवरेज प्राइस थी 100 थी और वो घटते घटते लगभग 94 पे आ गई। अब जो 5% का प्रॉफिट परसेंटेज जो प्राइस होगी वो लगभग 99 की आ जाएगी। इसका मतलब जब भी 94 से ये 99 पे जाएगा आपको 5% का प्रॉफिट हो जाएगा,
94 से जब ये 102 पे जाएगा आपको 10% का प्रॉफिट हो जाएगा, और ये 94 से जब 105 पे जाएगा तो आपको 15% का प्रॉफिट हो जाएगा। अब ये तो हो गया अलग सिनेरियो, मान लो मार्केट फिर से ऊपर हो जाती है, लेकिन हम मान के चलते हैं फिर से मार्केट और डाउन होगी, ठीक है भाई। तो 14 अक्टूबर को आप फिर से 30,000 इन्वेस्ट कर दोगे। 30,000 इन्वेस्ट करने के बाद मान लो जो प्राइस थी उस टाइम पे एनएवी चल रही थी 85 की, और 85 के हिसाब से आपको इतनी यूनिट एलोकेट हो जाएगी 349, एवरेज प्राइस आपकी घटते घटते आ जाएगी 92.44 पे, और जो 5% का प्रॉफिट होगा वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 97। जब भी ये 97 पे आएगा आपको 5% का प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर ये 92.44 से 99 पे चले जाती है तो आपको 10% का प्रॉफिट हो जाएगा, और 92 से बढ़ के अगर 102 पे चली जाती है तो 15% का, और अगर 105 तक चली जाती है तो आपको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये अलग सिनेरियो हो गया दोस्तों। अब मान लो फिर से मार्केट में गिरावट होती है, ऐसा नहीं होता जैसे हम सोच के चल रहे हैं चलो भाई फिर से गिरावट होगी, मान लो कोविड वाला टाइम ही था वो, ऐसे मान के चल रहे हैं। 22 अक्टूबर का टाइम आ गया, फिर से आप 30,000 रुपये लगा दोगे, जो एवरेज प्राइस होगी आपकी 81.45 पे आपको यूनिट एलोकेट हो जाएगी लगभग 368 के आसपास, और आप देख सकते हो आपकी जो एवरेज प्राइस है वो आ गई लगभग 90.01। अब 5% का प्रॉफिट, जब भी ये 90.01 से 94 पे आएगा आपको 5% का प्रॉफिट हो जाएगा, तो जो टोटल आपका अमाउंट इन्वेस्टेड हो गया वो लगभग 1.5 लाख के आसपास इन्वेस्टेड हो गया, और उसका 5% लगभग 7,500 का आपको प्रॉफिट यहाँ पे इन लेवल पे हो जाएगा जब भी ये 94 पे आएगा। अगर ये 97 पे आएगा तो आपको 15,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, यहाँ पे आती इस वाले लेवल पे आती है 97 वाले पे आपको 15% का प्रॉफिट हो जाएगा, फिर इसमें ऊपर जाते ही फिर आप उसमें 7,500 जोड़ लो, फिर ऊपर जाते ही लगभग 30,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, और फिर ऊपर जाते ही लगभग 37,000 का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये तो ही दोस्तों हमारी स्ट्रेटजी की बात है। तो दोस्तों ये थी हमारी पूरी की पूरी स्ट्रेटजी। अब मैं आपको इसको कस्टमाइज करके दिखाऊंगा आप कैसे अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कोई दोस्त कहता है उसके पास 1.5 लाख रुपये नहीं है, वो लगभग 1 लाख रुपये के आसपास उसके पास है, तो उसी हिसाब से आपकी जो एलोकेशन होगी वो लगभग 20,000 की एलोकेशन होती चली जाएगी इसके अंदर। उसी हिसाब से दोस्तों आपका जो यूनिट है वो एलोकेट होती चली जाएगी। मैं देखो आपके सामने करके दिखा रहा हूँ इसे 20, 20 और 20। तो आप देख सकते हो आपका जो टोटल अमाउंट हो गया वो लगभग 1 लाख के आसपास हो गया। यूनिट प्राइस जो सेम है जो हमने एग्जाम्पल लिया था, और उसी हिसाब से आपको यूनिट एलोकेट होती चली गई 20,000 से डिवाइड होने के बाद। वो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, वो तो फॉर्मूला अपने आप कर देगा। चलिए अगर दूसरा जो कस्टमाइज आप कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे -5% लिया है, आप इसे -3% भी कर सकते हो, और अगर आप थोड़ा सेफ खेलना चाहते हो तो आप -6-7 जिस परसेंटेज के साथ आप जाना चाहो वो आप जा सकते हो, वो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड है। चलिए तीसरा तरीका जैसे आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो, मान लो हमने यहाँ पे 5 पार्ट्स में से डिवाइड किया है, अगर आप चाहो तो इसे 10 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल ही सेफ खेलना चाहते हो मार्केट के अंदर, और चाहते हो कि बिल्कुल भी चाहे कितना भी बड़ा फॉल आ जाए आपको कभी घाटा नहीं होगा, तो उसके लिए आप इसे 10 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। लेकिन बस उसका नुकसान ही होगा आपको, जैसे मान लो आपने 10,000 इन्वेस्ट किया स्टार्टिंग में, तो उसका 5% केवल 500 रुपीज बैठेगा, और जो 500 रुपीज है वो तो कुछ तो चार्ज उसमें आपका वैसा कट जाएगा 100 रुपीज के आसपास, तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो केवल 400 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो बेटर है कम से कम बस 20,000 लगाओ, कि मान लो आपको प्रॉफिट हो तो कम से कम 1,000 रुपये का प्रॉफिट तो हो ही जाए हर एक हफ्ते के अंदर अंदर। चलिए अब चलते हैं दोस्तों इसे इंप्लीमेंट करके बताता हूँ आपको निफ्टी आई टी बीज के अंदर। आई टी बीज का सबसे पहले हमें दोस्तों करना होगा डाउनलोड हिस्टोरिकल डाटा, जहाँ पर मैंने आपको ये सारी ETF के बारे में बताया था। आपको सिंपली वहाँ पर जाना है, जिस भी ETF का आपको डाटा चाहिए, हिस्टोरिकल डाटा चाहिए, उस पर क्लिक करिए। हमें चाहिए आई टी बीज पर। दोस्तों मैंने क्लिक कर दिया और ये हमारे सामने इंटरफेस खुल गया है। अब हम जाएंगे नीचे की तरफ और हमें चाहिए हिस्टोरिकल डाटा, ये तो आज का बता देगा सारा का सारा। हमें लेना है 1 ईयर के बैक का आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो और भी पुराना डाटा देखना तो यहाँ पे सिंपली इस तारीख से इस तारीख तक करें और फिल्टर कर दें, ये पूरा का पूरा डाटा खुल गया और ये हो जाएगा दोस्तों डाउनलोड CSV। यहाँ पर एक डाउनलोड की फाइल खुल जाएगी जो कि देखने में ऐसे होगी। ये आ गई है दोस्तों हमारी फाइल ओपन होके, इसमें जो तारीख है वो आप देख सकते हो ऐसे देखने को मिल जाएगी। 9 सितंबर को ओपन हुआ था, लगभग 29.12 पे हाई गया था, लो गया था, प्रीवियस क्लोजिंग वगैरह, क्लोज वी वैक, 32 वीक हाई, 32 वीक लो, वॉल्यूम वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, कितने ट्रेड इसके अंदर हुए हैं वो भी देखने को मिल जाएगा। अब हमें इस डाटा की मदद से हम दोस्तों इस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करके देखेंगे।
मैंने इसे डाउनलोड किया हुआ है और जो फालतू की चीज़ें थी वो इसमें से हटा दिए। हमें केवल जरूरत है तारीख की, कभी ओपन हुआ, हाई इसका कितना गया, लो कितना गया और क्लोज कितना, बस। अब हम आ जाते हैं एक साल पहले, जब था जबकि 9 सितंबर, और 9 सितंबर को जिसकी प्राइस चल रही थी वो लगभग 35.77 की चल रही थी। आप उसे पुराना डाटा भी डाउनलोड करके देख सकते हैं और इस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं हर एक ETF के अंदर। मैंने ऐसे 20 ETF ढूंढ के निकाले हैं, अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करते हैं, काफ़ी अच्छे ETF हैं, हाई रिस्क वाले भी हैं और लो रिस्क वाले भी। अगर आप अपने हिसाब से चाहें तो उन सब में भी एलोकेशन लेके चल सकते हैं, अगर आपके पास अमाउंट काफ़ी बड़ा है मार्केट में एलोकेट करने के लिए। उसका आपको ये फ़ायदा होगा, आपका थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा और आप रेगुलर से इनकम जनरेट कर सकते हो। चलिए हम सबसे पहले एक बार देखते हैं 9 सितंबर को। मान लो इसकी ETF की जो प्राइस थी वो चल रही थी लगभग 35.77 और हमने इसी तारीख को बाय कर लिया 9 सितंबर को हमने बाय कर ली, 30,000 रुपये इसके अंदर एलोकेट कर दिए, प्राइस चल रही थी 35.77, वही हम इसके अंदर प्लेस कर देंगे 35.77। अब आप देख सकते हो यूनिट आपकी जो मिलेगी वो लगभग 838 यूनिट मिल जाएगी, एवरेज प्राइस आ जाएगी आपकी 35.77 और जब भी ये प्राइस 37.55 पे आएगी आपको 5% का प्रॉफिट हो जाएगा। इसमें से अगर 37.55 पहले आ जाता है आपको 5% का प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर 33 पहले आ जाता है तो आपकी जो सेकंड SIP है वो मार्केट के अंदर लग जानी चाहिए। चलिए पहले देख लेते हैं सबसे पहले कौन सा आता है। चलिए हम चले ऊपर 37.24 में हमारा प्रॉफिट नहीं बुक होगा दोस्तों, हमें कम से कम चाहिए 37.4946 ही आ गया दोस्तों, आप देख सकते हो लगभग 37.6 इस पर हमारा पहला प्रॉफिट बुक हो जाएगा 5% का। तो आपको कितने दिन लगे, लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दसवें दिन आपको दोस्तों 5% का प्रॉफिट हो जाएगा इसके अंदर। अब दिन अगले दिन मार्केट फिर से ओपन होगी और हम इसे बाय कर लेंगे। मान लो हम इसके जहाँ पे ओपन होता है 38 पे वहीं के वहीं ओपन कर लेते हैं, हालांकि ये लो में फिर से 37.6 गया था, 7 गया था, लेकिन हम मान के चलेंगे 38 में ही बाई कर लेते हैं। तो हमारी अब जो बाइंग प्राइस होगी वो होगी 38। चलिए उसी हिसाब से देखो डाटा फिर से चेंज हो गया, तो जो हमें नेक्स्ट प्रॉफिट बुक करना होगा वो लगभग 39 पे करना पड़ेगा, और अगर 39 नहीं आता है तो हमारी जो सेकंड SIP है वो 36.1 पे लग जाएगी। अब देख लेते हैं इसमें से पहले कौन सा आता है। 27 सितंबर को हमने प्रॉफिट बुक किया था, इसे मैं यहाँ पे आपको यहाँ से बता देता हूँ येलो लाइन से, और हमने बाइंग की 38 पे, ठीक है दोस्तों 38 पर हमने बाइंग की। चलिए हम चलते हैं ऊपर की साइड धीरे धीरे। अब आप देख सकते हो 36, 35, 35, तो पहले आप आ गया दोस्तों 35, जैसे हमने डिस्कस किया था यहाँ पे 36.1 पे हमारी सेकंड एलोकेशन लग जानी चाहिए, तो यहाँ पे हमारी सेकंड एलोकेशन लग जाएगी क्योंकि 39 तक ये नहीं गया है। तो यहाँ पे जो ये वाली है 28 सितंबर वाली, इसे हम चेंज कर देंगे, ये लग जाएगी 4 अक्टूबर 2022 मान लो, चलो कोई नहीं हो तो अलग उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और फिर से दोस्तों हमारे 30,000 रुपये मार्केट के अंदर लग जाएंगे, और 36.1 इसकी यहाँ पे रेंज दिखा रहा है, हमने बाय किया है इसे 35.9 पे, ये आ गया दोस्तों, हमने बाई कर लिया, मान लो 36.1 पे बाई कर लिया, तो हमें जो यूनिट मिलेगी वो फिर से 831 की मिल जाएगी, और जो हमारी नेक्स्ट NAV निकल के आएगी वो लगभग 37.03 की आएगी। जब भी ये प्राइस हिट होगा ये अपने आप से SIP लग जाएगी इसके अंदर, और हमारी जो नेक्स्ट एवरेज प्राइस आएगी 37 आएगी निकल के, और अगर जब भी ये 38 पे आएगा 38.88 पे आएगा हमें 5% का प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं कब 38.88 की प्राइस आती है। चलो भाई 38 या तो 38 पहले आ जाए दोस्तों या फिर 34 आ जाए, जो भी पहले आ जाएगा हमें मुनाफा या घाटा दोनों पता लग जाएगा। 34 38 37 38 ये आ गया दोस्तों 38 पे जाके इसने अपना हाई दिया था 38.88 नहीं आया, तो अभी हमें वेट करना पड़ेगा थोड़ा। हम चलते हैं फिर से थोड़ा ऊपर,
ये देख ले दोस्तों, यहाँ पे हमारी जो प्राइस है वो 40 पे आ गई है, तो हमें इन लेवल पे फिर से प्रॉफिट हो जाएगा। आप देख सकते हो 10% का प्रॉफिट सीधा सीधा, 39.9 पर आप देख सकते हो, यहाँ से आपको 5% का प्रॉफिट यहाँ पे होता है और यहाँ पे होता है आपको 10% का प्रॉफिट, तो सीधा सीधा आपको यहाँ पे इन लेवल पे प्रॉफिट हो जाएगा 10% का। चलिए अब मान लो अब हम फिर से इसे बाय करेंगे नेक्स्ट वाले दिन, इसे मैं ऊपर ले जाता हूँ जिससे आपको फिर से आइडिया होता रहे। और कितने दिन लगे दोस्तों, आप देख सकते हो हमारे जो पहला प्रॉफिट उसके बाद लगभग 2 हफ्ते के अंदर अंदर हमारा जो नेक्स्ट प्रॉफिट था वो भी आ गया। अक्टूबर में हमने खरीदा था, नवंबर में हमारा 10% पर अगला प्रॉफिट भी आ गया। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, और अभी तक हमारी केवल हमें जरूरत जो पड़ी है वो लगभग 2 SIP की ही जरूरत पड़ी है। अब हमने मान लो दोस्तों नेक्स्ट जो कि था 36.43 पे हमने फिर से बाई कर लिया क्योंकि हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था, तो हम इसे बाई कर लेंगे 36.43 जो कि हाईएस्ट है उस दिन का, उसी हिसाब से हमारा सारा चेंज हो गया। जब भी जो पहले आएगा 38 अगर पहले आएगा तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर 34 पहले आ जाएगा 34.6 तो हम अपनी जो नेक्स्ट SIP है वो लगा देंगे। चलो भाई धीरे धीरे ऊपर चलते हैं, और 38.6 ये आ गया दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5 पाँचवें दिन ही आपको फिर से प्रॉफिट हो गया, और अभी तक का आपको ये जो तीन है इनकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी है, ये आपका सारा का सारा पैसा आपके या तो निफ्टी 20 में पड़ा है या आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा है, आपकी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही। आप देख सकते हो 38.6 पे आपको फिर से प्रॉफिट हो गया। अब हम फिर से ऐसे ही करेंगे दोस्तों, हम इसे अगले दिन फिर बाई कर लेंगे जो कि होगा 35.95। अब हमने इसे बाई कर लिया फिर से 35.95, जो भी अगले दिन की प्राइस होगी हम दोस्तों उसी पे बाई कर लेंगे। अब हमारा जो प्रॉफिट होगा वो 37 पे होगा, और जो नेक्स्ट SIP लगेगी वो 34 पे लगेगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या आएगा, 38 ही आ गया दोस्तों, 38 पे फिर से इसने हाई लगा दिया अपना, और यहाँ पर हमें फिर से प्रॉफिट हो जाएगा। फिर हम फिर से नेक्स्ट दिन जिस दिन ये ओपन होगा उसी पे बाई कर लेंगे 37.59। इस पर हमने बाई कर लिया दोस्तों, 39 हमारा नेक्स्ट प्रॉफिट होगा, और नई SIP के लिए हमें 35 का वेट करना पड़ेगा। चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं, पहले देखते हैं क्या आता है। 36, 37, 38 तक आया है, बाकी 35 तो आया है पे नहीं दोस्तों, अभी तक 35 नहीं आया, यहाँ पे आया था 35.64 जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपकी सेकंड जो यूनिट है वो अपने आप एलोकेट हो जाएगी 35.64 के आसपास में, और आपकी जो एवरेज प्राइस आ जाएगी अब आ जाएगी 36.63 अपने आपकी नेक्स्ट एवरेज प्राइस आ गई, और जो भी पहले आएगा या तो 38 पहले आ जाए या फिर 33 आ जाए। अगर 38 आ जाता है तो आपको 5% का प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर 33 आ जाता है तो आप अपनी नेक्स्ट SIP लगा दोगे। चलिए ऊपर चलते हैं और धीरे धीरे 38 ये देखने को मिला दोस्तों मुझे, 38 यहाँ पे 38.46 है लेकिन वहाँ पे और यह है 38.35, तो अभी हमें वेट करना होगा, ये आ गया 38.8 यहाँ दोस्तों, यहाँ पे हमारा अगला प्रॉफिट हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ट्रेडिंग सेशन में आपका फिर से आपका प्रॉफिट हो जाएगा 38.46 पे 5% का। और अगर आप चाहते हो कि भाई अभी मुझे प्रॉफिट नहीं चाहता मुझे, तो ये जब आ जाएगी 39.46 मैं तभी प्रॉफिट बुक करूँगा, तो आप वेट कर सकते हो, और लगभग 2 दिन बाद ही आप देख सकते हो आपका जो नेक्स्ट है वो देखने को मिल जाएगा 39.4, जो हाइएस्ट था वो 38.75 तक गया था, और आप अपना 10% प्रॉफिट इन लेवल से जो कि यहाँ पे था 36.63 इन लेवल से 10% का प्रॉफिट बुक करके चल सकते हो। अब फिर हम नेक्स्ट दिन से बाय कर लेंगे जो कि नेक्स्ट दिन की जो कीमत है वो लगभग 39.39 है। अब धीरे धीरे यानी कि आप देख सकते हो बढ़ने लगी है 39.39, ठीक है दोस्तों। अब हमारा जो प्रॉफिट होगा वो 41 पे जाके होगा, और जो नेक्स्ट SIP लगेगी वो लगभग 37 पे लगेगी। चलो देख लेते हैं पहले क्या आएगा, 41 आता है या 37, 41 आता है या 37, 40 तक तो आ गया है दोस्तों, 40 ये देखिए 41.08 वो आया है,
और हमारी जो प्रॉफिट होगा वो होगा 41.35 पे। और नेक्स्ट एस आई पी है 37.42। ये देखिए दोस्तों, नेक्स्ट की जो एस आई पी है आपकी वो एलोकेट हो जाएगी यहाँ पे, इसे हम रेड से कर देते हैं। और जो नई एवरेज आपकी एवरेज प्राइस निकल के आएगी वो आएगी 38.38, और 40 पे आपको हो जाएगा 5% का प्रॉफिट, और 41 पे हो जाएगा 10% का प्रॉफिट 38.38 से जब आप कंपेयर करोगे। चलिए देखते हैं कब आएगा 41.30। ये देखिए दोस्तों, ये आ गया 41.08। अगले दिन ही आपको इसमें प्रॉफिट हो जाएगा जब आप अपनी एवरेज प्राइस पे इसे बाय कर लोगे। तो ऐसी दोस्तों ये स्ट्रेटेजी काम करेगी, धीरे धीरे ऊपर के लेवल पे आप इसे टेस्ट करना चाहे तो खुद भी टेस्ट कर सकते हैं, मैंने आपको तरीका बता दिया है। और इस वाली जो ये मैंने फॉर्मेट बनाया है दोस्तों, मैं इसे पेस्ट कर दूंगा जहाँ से आप इसे पूरे एक्सेल फाइल को डाउनलोड कर सकते हो, इस वाले फॉर्मूले को डाउनलोड कर सकते हो और अपने आप ही ट्राई करके देख सकते हो। अगर कोई थोड़ा एक्सपर्ट है कंप्यूटर के अंदर, वो स्पेशली कोई फॉर्मूला बना सकता है इसमें अपना प्लेस करके बताने का, तो दोस्तों वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर दे, और अगर वो चाहे तो वो कमेंट सेक्शन में फॉर्मूला भी प्लेस कर सकता है जिससे हम ऑटोमेटिक इसे अपने आप टेस्ट कर सकें। अभी तो हमने मैनुअली कराया है, जाके देखा है, जिसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको दोस्तों जो स्ट्रेटेजी है लाइव मार्केट के अंदर भी करके दिखा दूंगा। और अगर आप चाहो, अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट है लगाने के लिए, तो मैंने 20 ऐसे ETF ढूंढ निकाले हैं दोस्तों, जो अच्छे अच्छे हैं, अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करते हैं, और जिनके अंदर आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो, और अगर इस स्ट्रेटजी को आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो इसे भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। आपने देखा होगा इस स्ट्रेटजी में फिलहाल हमें केवल 3 स्टेप की ही जरूरत पड़ी, ज़्यादा स्टेप जो नीचे का अमाउंट था वो हमारा बचा रह गया, सेविंग अकाउंट में ही पड़ा रह गया, लेकिन हमें उसे फिर भी एज ए बैकअप के तौर पर दोस्तों इस्तेमाल करने के लिए रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसका इस्तेमाल कर दो कहीं इधर उधर कि भाई इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ रही और हम इसे इधर उधर खर्च कर देते हैं, वो आपका बैकअप प्लान होना चाहिए। प्लान ए आपका ये है, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, ई, ये तक आपके पास प्लान होना चाहिए बैकअप। चलिए दोस्तों, वीडियो में फिलहाल इतना ही, और अगर काफ़ी मेहनत लगी है दोस्तों इस वीडियो को बनाने में, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सेम जो ये स्ट्रेटजी है दोस्तों, आप ये स्ट्रेटजी स्टॉक के अंदर भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, निफ्टी 50 जैसे अच्छे अच्छे जो स्टॉक हैं, जैसे रिलायंस जो टॉप 10 स्टॉक हैं उनके अंदर भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन हाँ निफ्टी ये स्ट्रेटजी आपको स्मॉल कैप के अंदर इंप्लीमेंट नहीं करनी है, जो केवल अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है केवल उनके अंदर इंप्लीमेंट करनी है। ये दोस्तों स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है, पहली बार हम इसे कर रहे हैं तो थोड़ा इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, वरना आप अगर इसे खुद ट्राई करोगे तो आप अपने आप कहोगे कि बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है और कुछ नहीं करना है आपको, मार्केट में कोई भी न्यूज़ आ रही हो पॉजिटिव नेगेटिव उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है, आपको जाके सिंपली बाय करना है, जब -5 पे हो आपको एवरेज करना है, और जब आपका प्रॉफिट आए आपको फिर से सेल करके प्रॉफिट बुक कर लेना है, बस इतना सिंपल सी थ्योरी है। ना आपको ये देखने की जरूरत है FIIs ने बाइंग की, FIIs ने सेलिंग करी, कौन किस पे हमला कर रहा है, चीन से क्या खबर आ रही है, आपको किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सिंपली अपने स्टेप को करते जाइए, कछुए की चाल से चलते चले जाइए और आपको प्रॉफिट होता चला जाएगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।